हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के समीप झिंझड़ी के पास एक बस दुर्घटनाग्रस्त होने का समाचार प्राप्त हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार HRTC की बस स्कूल के बच्चों को लेकर आ रही थी। दुर्घटना का कारण सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियां बताई जा रही हैं। तंग रास्ता होने की वजह से बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। गुस्साए लोगों ने सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। प्रशासन द्वारा गाड़ी रजिस्ट्रेशन करते समय पार्किंग सर्टिफिकेट लिया जाता है, इसके बावजूद लोग अपनी गाड़ियां सड़कों के किनारे खड़ी कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा इसके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। कहीं ना कहीं सड़क के किनारे खड़ी ये गाड़ियां हादसों को न्योता दे रही हैं। प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज घटना पर आम जनता से गुस्से का सामना कर रहे हैं। जैसे तैसे माहौल को शांत किया गया, उसके बाद शिक्षा मंत्री घायलों का हालचाल नशे के व्यापारी यहाँ सीधा बेच रहे हैं हमारे बच्चों को और उनको पुलिस बर्दाश्त क्यों नहीं है? Thank you.